नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सचिन और आप सभी का स्वागत है एसएस ऑटोवर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल में। तो इस यूट्यूब चैनल में हम बात करते हैं नए नए बाइक्स के बारे में, कार्स के बारे में, और उसको रिव्यू करते हैं और इसको रिकमेंडेशन देते हैं। तो आज मैं आया हूँ होंडा बिग विंग, जो होंडा के जो बाइक्स है मोर देन 350 cc या 300 cc से जो ज़्यादा है। तो होंडा बिग विंग थाने सिटी में, थाने वेस्ट में, अपोजिट थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चालू हुआ है, जो मोर देन 300 cc के जो बाइक है, जो अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है होंडा हाइनेस 350, इसको इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो में डिटेल में बात करते हैं होंडा हाइनेस के बारे में। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर एक नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो डिटेल में बात करते हैं होंडा हाइनेस के बारे में। तो दोस्तों, हम चला रहे हैं CB 350 हाइनेस को, और इस ड्राइव में आपको बताने वाला हूँ कि CB 350 हाइनेस कैसी है। तो कंपैरिजन करेंगे कि इसके जो कॉम्पिटिटर है और इस सेगमेंट में, उसमें बेहतरीन इसका जो साउंड नोट है जो आप सुन रहे हैं, इसके अलावा इसका जो इंजन का रिफाइनमेंट है वो मतलब जीरो वाइब्रेशन आप बोल सकते हैं इस सेगमेंट में, और जो इनिशियल जो पिकअप है वो भी बेहतरीन है। अब मैं इसको चला रहा हूँ, ट्रैफिक में भी आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। इसका जो कर्व वेट है अराउंड 181 केजी के आसपास है। तो इसको हम राइड करने वाले हैं हाईवे पे, और इसको स्पीड और इसकी टोटल इसको रिव्यू करने वाले डिटेल में किस तरह ये बाइक है। तो दोस्तों, हम होंडा CB 350 जो 1970 के आसपास वर्ल्ड वाइड जो होंडा ने लॉन्च किया था, उसी मॉडल को थोड़ा बदलाव करके और नए फीचर्स के साथ होंडा हाइनेस के नाम से CB 350 इंडिया में लॉन्च किया है। ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं, बट जो एग्जॉस्ट का जो थर्म है वो बेहतरीन है। हैंडल की पोजीशन आप देख रहे हैं, ज़्यादा डाउन नहीं है, इसके कारण आपको स्ट्रेट आप बोल सकते हैं बैठते हैं, ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो कंसोल के जो कंट्रोल्स हैं उसको टॉगल करने के लिए यहाँ पे स्विच दिए हैं, यहाँ पे ऑन दिया है, ऑन बहुत ही ज़्यादा लाउड है ताकि आपको ट्रैफिक में रास्ता निकाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर नीचे दिया गया है, जो ऊपर नीचे है अपने स्टैंडर्ड जो बाइक बोल सकते हैं डेली रूटीन के बाइक में कंपैरिजन में। और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे हजार्ड का लाइट दिया है, हजार्ड का, और यहाँ पे इंजन किल स्विच और इंजन स्टार्ट का बटन दिया है। इस तरह से इसका जो की है जो एक प्रीमियम फील देता है प्रीमियम बाइक के साथ, इसको ऑन करने के बाद जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कंसोल है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और इसकी हैंडल बार की जो पोजीशन है कुछ इस तरह से है। जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो बेहतरीन है। आप एक बड़ी बाइक चला रहे हो, इसका फील देता है, रोड प्रेजेंस अच्छा है, लोग इसको घूम के देखते हैं, मतलब बोल सकते हैं ना अपन आई कैचिंग है। जब रास्ते पे चलती है तो लोग इसको मुड़ के देखते हैं कि कौन सी बाइक है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से इसका ड्राइव एक्सपीरियंस था। तो अगेन आई विल से वन ऑफ द रिफाइंड इंजन इन दिस सेगमेंट। जो होंडा का जो टेक्नोलॉजी है इंजन के बारे में और फीचर्स के बारे में, वो वन स्टेप अहेड है विद कंपैरिजन टू अदर मेकर्स। तो दोस्तों, हम इसके सबसे पहले हम होंडा हाइनेस 350 के डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल में जो इसका लेंथ और व्हील बेस है उसके कारण ये बाइक जनरल जो बाइक है इसके कारण इसके थोड़ा सा लेंथ में बड़ी लगती है, जो एक रोड प्रेजेंस इस बाइक का सही है और बेहतर है।
इसमें ड्यूल कलर ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक मैसिव बड़ा टैंक दिया है इस बाइक में, और ये बाइक फीचर्स लोडेड के साथ आती है, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर्स इस मॉडल में, इस सेगमेंट में पहली बार होंडा ने हाइनेस के साथ दिए हैं। इसमें ड्यूल एबीएच चैनल दिया गया है सेफ्टी के लिए, और आगे 19 इंच का टायर और पीछे 18 इंच का टायर दिया गया है। तो दोस्तों, टेल सेक्शन की डिज़ाइन की बात करेंगे तो इसको भी एक रेट्रो लुक दिया है। ज़्यादा इसमें जो आप बोल सकते हैं जो नए बाइक आते हैं उसके तरह इसका डिज़ाइन नहीं है। जो टेल लाइट और जो इंडिकेटर है वो जिस तरह से दिखाई देते हैं इस मॉडल के साथ। इंजन की बात कर लेते हैं, इंजन 350 सीसी का, अप्रॉक्सीमेटली 350 सीसी का इंजन आता है, और अराउंड पीएचपी पावर प्रोड्यूस करता है, और 30 न्यूटन मीटर टॉर्क है एट 3000 आरपीएम पे। तो इंजन के रिफाइनमेंट होंडा इसलिए जाना जाता है, होंडा की जो रिफाइनमेंट है इंजन के साथ वो बेहतरीन है। तो ये इंजन का आउटपुट है, और इंजन के साथ जो एग्जॉस्ट है वो भी एक बड़ा और बेहतरीन क्रोम फिनिश में आ जाता है। तो 350 सीसी का इंजन 5 ट्रांसमिशन के साथ आता है, 1 डाउन 4 अप। तो दोस्तों, इसके टायर की बात कर लेते हैं। आगे जो टायर दिया है MRF कंपनी का, 19 इंच का टायर दिया है, और इस व्हील के साथ आपको ABS सिंगल चैनल मिल जाता है, और निसिन कंपनी का आपको डिस्क ब्रेक का मैकेनिज्म मिल जाता है। टायर की बात करें तो MRF कंपनी का जो टायर दिया है 19 इंच का, और 190 का टायर दिया है। रियर टायर की भी बात कर लेते हैं, रियर टायर में 18 इंच का टायर है, इसमें भी आपको ABS का प्रोविजन है, और इसकी जो साइज़ की बात कर ले तो 18 इंच का टायर दिया है MRF कंपनी का, और उसकी जो साइज़ है 130/70 18 इंच का टायर दिया है। तो इस मॉडल और स्पीड के साथ बेहतरीन टायर इस मामले में ट्यूबलेस टायर इसमें कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। शॉक अब्जर मतलब सस्पेंशन की बात करेंगे तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया है, रियर में ड्यूल सस्पेंशन दिए गए हैं, जो भी एक अच्छे फिनिश और मटेरियल के साथ है। होंडा कंपनी ने इस मॉडल के साथ जो सारे लाइट्स है, मीन्स हेड लाइट, टेल लाइट एंड कंसोल की जो लाइट है, वो सारे लाइट LED में दिए हैं। जो स्पीडोमीटर है एनालॉग में मिल जाता है, और एक डिजिटल डिस्प्ले दिया है, उसमें आपको गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज, टाइम और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ट्रिप 1, ट्रिप 2, और यहाँ पे जो स्विच दिया है वो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, मीन्स आप जब ऑफ रोडिंग करते हैं, मड में चलाते हैं, तो हर एक व्हील को, मतलब आगे और पीछे व्हील को सही पावर जाने के लिए यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल इस मॉडल के साथ दिया गया है। यहाँ पे आपको न्यूट्रल गियर इंडिकेटर ABS इसका इंडिकेशन यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आपको इंजन का इंडिकेशन मिल जाता है। इसके बाद इसमें आपको इको मोड ऑप्शन भी यहाँ पे दिखाई देता है। साइड इंडिकेटर ऑन होता है तो उसका भी इंडिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है, और साइड इंडिकेटर जब चालू होता है तो इंजन आगे नहीं बढ़ता, एक सेफ्टी का फीचर इस मॉडल के साथ दिया गया है। तो कुछ इस तरह से इस मॉडल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप कंसोल बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो हैंडल बार है कुछ इस तरह से है, और इसका जो हैंडल बार है इसको आप कंसोल को टॉगल करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने स्विच दिए हैं, जो आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं ड्राइव करते समय, कुछ इस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसका जो हॉर्न है बहुत ही ज़्यादा लाउड दिया है। यहाँ पे आपको पास स्विच का ऑप्शन दिया गया है, जो आपको हाई बीम, लो बीम ये भी काम कर देता है, और यहाँ पे इंडिकेटर दिया है। राइट हैंड साइड के हैंडल बार पे आपको इंजन किल स्विच और इंजन स्टार्ट का बटन दिया है, और यहाँ पे हजार्ड का भी लाइट दिया है, जो आपको इमरजेंसी में काम आ सकता है। होंडा कंपनी ने इस मॉडल के साथ अराउंड 15 लीटर का टैंक प्रोवाइड किया है, जो एक अच्छी खासी रेंज है आपको टूर के लिए और लॉन्ग ड्राइव के लिए। टूर की बात करते हैं तो होंडा कंपनी ने इस मॉडल के साथ
जो आप देख रहे हैं, ये जो एक्सेसरीज है बैग में, ये भी सारी एक्सेसरीज आप इस मॉडल के साथ मिल जाती है, जो आपको बेहतरीन एक टूर के लिए पैकेज है। आप बहुत सारी चीज़ें इस मॉडल के साथ लेके जा सकते हैं टूर के लिए। सीट कंफर्ट की बात करते हैं तो कंपनी ने इस मॉडल के साथ कुछ इस तरह से सीट दिए है, जो एक आप बोल सकते हैं सफिशिएंट है, बट आप टूर के लिए आप पिलियन राइडर के साथ जाती है तो थोड़ी बहुत कम पड़ सकती है, बट इसकी जो क्वालिटी है, कुशन क्वालिटी और कंफर्ट बेहतरीन है, क्योंकि इस मॉडल को मैंने एक 15 से 20 किलोमीटर चलाया है। इस मॉडल के साथ कंपनी ने यहाँ पे सीट को ओपन करने के लिए यहाँ पे प्रोविजन दिया है। इसके साथ आप कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, हैंग कर सकते हो। इसका जो ग्रैब हैंडल है वो भी रेट्रो लुक में और रेट्रो स्टाइल में दिया है। तो दोस्तों, होंडा का जो फर्स्ट डिलीवरी इस मॉडल का है यहाँ पे हो रहा है, होंडा बिग विंग जो डीलर है, तो एक बेहतरीन सेलिब्रेशन इस मॉडल के साथ यहाँ पे फर्स्ट डिलीवरी का हो रहा है। जो आप बोल सकते हैं इस बाइक को यहाँ से शोरूम में लेने वाले हैं, हम उनके साथ बात करने वाले हैं एग्जैक्टली क्या क्या फील हुआ इस मॉडल के साथ इन्होंने, इसलिए इसके जो कॉम्पिटिटर है इसमें यही मॉडल को चूज़ किया। तो आपका स्वागत है इस ऐसे सटोवल यूट्यूब चैनल में। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली आपको क्या फील हुआ इस मॉडल के साथ कि आपने जो इसके कॉम्पिटिटर है इसको छोड़ के इस मॉडल को सिलेक्ट किया? थैंक यू। इसमें मेरे पास पहले ये था क्लासिक 500 एंड आई हैव ऑल्सो बीन ड्राइविंग अपना इंटरसेप्टर 650, बट उस देन जब एंड आई वांटेड टू जस्ट अपग्रेड, देन एट दैट टाइम आई सॉ दिस व्हीकल वाज लॉन्च्ड एंड व्हेन आई डिड अ टेस्ट ड्राइव, इट्स बैलेंस इज अमेजिंग, एबीएस आर वेरी गुड एंड इट ऑल्सो गेव मी दैट लाइक द सीटिंग पोस्चर विच इज़ वेरी नाइस एंड which is somewhat equivalent to classic 500 and but it's much better than your interceptor. So actually I was about to book the vehicle about to book interceptor again, but then I dropped the idea after taking the test drive. Its seating posture is amazing and ABS is very good and mileage is also, as compared to the other vehicle, it's very good. तो आपने ऑलरेडी आप रॉयल एनफील्ड के आपको चलाया, आपके पास है, इसके इंजन के बारे में बात करते हैं दोनों मॉडल के, जो रिफाइनमेंट है इस मॉडल के साथ आता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सी इंजन इट गोज विथ होंडा, होंडा मतलब ही यानी यू नो दैट इट देयर कोर कॉम्पिटेंसी इज देयर इंजन, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई यानी देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट द इंजन, यानी उसके बारे में सोचा तक भी नहीं, क्योंकि आई नो दैट इट कम्स फ्रॉम द होंडा, तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी गुड। ओके, तो दोस्तों इनके पास ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड था, बट ये अपग्रेड करने वाले थे एक मॉडल के साथ, बट जब इनको मालूम पड़ा कि होंडा हाइनेस ये मॉडल रेट्रो लुक में अगेन इंडिया में लॉन्च हो रहा है, तो इन्होंने डेफिनेटली जो बताया कि सीटिंग पोस्चर, एबीएस कंट्रोल, इंजन की रिफाइनमेंट, ये सारे जो चीज़ें हैं, एस्पेक्ट है इसमें, जो इंडिया में जो मॉडल्स अवेलेबल है उसमें एक वन स्टेप अहेड है, इसके कारण इन्होंने ये मॉडल लिया है। और जो मैंने इसको ड्राइव किया, ये सारी चीज़ें श्योर कि जो वन स्टेप अहेड है जो इसके कॉम्पिटिटर है। तो थैंक्स फॉर आपने जो आपका जो रिव्यू दिया इसके लिए, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इस मॉडल का जो कर्व वेट है, मीन्स टोटल वेट है, अराउंड 181 kg के आसपास है, बट इसके बावजूद जब इस मॉडल को हम चलाते हैं तो उतना वेट महसूस नहीं होता, फील नहीं होता। ईजिली आप ट्राफिक में, मीन्स सिटी ट्राफिक में आप ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जो बैलेंसिंग है, सेल्फ बैलेंसिंग इस मॉडल के साथ कंपनी ने अच्छा किया है। होंडा कंपनी ने हाइनेस को रेट्रो लुक तो दिया है, बट इसके साथ इन्होंने कंपनी ने जो फीचर्स है और इसकी जो रगड़नेस, आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, इससे पता चलती है हर एक चीज़ जो इस मॉडल के साथ आती है, इसका जो स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी हमें महसूस होता है। तो यहाँ पे कंपनी ने सेफ्टी के बारे में भी सोचा है। जनरली जो इंडिया में आप बोलेंगे कि वुमन्स जब बैठती है वन साइड, तो सारी गार्ड, ये सारे फीचर्स भी इस मॉडल के साथ
दिए गए हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ इस तरह से इस बाइक का जो सिटिंग पोस्चर है, ज़्यादा आपको झुकना नहीं पड़ता है तो आप इजीली लॉन्ग ड्राइव पे क्रूज कर सकते हैं इस बाइक के साथ। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइडर बैठने के साथ जो पिलियन के लिए जो स्पेस है वो इतना सफिशेंट नहीं है, क्योंकि आप जब टूर पे निकलते हैं तो आपके साथ कुछ बैग्स रहते हैं, तो मे बी वो जो स्पेस है वो इतना सफिशेंट नहीं है पिलियन राइडर के लिए। तो दोस्तों इसका जो एग्जॉस्ट नोट है इस ये थोड़े सुन लेते हैं। आप एग्जॉस्ट नोट सुन रहे हैं कि एक बेहतरीन एग्जॉस्ट नोट, कुछ इस तरह से इसका एग्जॉस्ट नोट है होंडा हाइनेस का। तो दोस्तों ये जो मॉडल है दो वेरिएंट में अवेलेबल है, प्रो मॉडल और डीएलएक्स मॉडल। डीएलएक्स मॉडल और प्रो मॉडल में जो डिफरेंस है, इसको आपको ड्यूल कलर ऑप्शन में मिलाई देता है प्रो मॉडल, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है प्रो में, और इसके अलावा ड्यूल हॉर्न प्रो में आ जाता है। तो ये सारे फीचर्स आप बोल सकते हैं दो तीन चीज़ प्रो में अवेलेबल है जो डीएलएक्स में आपको नहीं मिलाई देते। तो दोस्तों होंडा हाइनेस दो वेरिएंट में अवेलेबल है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो वेरिएंट है प्रो वेरिएंट है, इसका जो थाने सिटी में जो ऑन रोड कॉस्ट है अराउंड 2,30,000 के आसपास है, और जो दूसरा जो मॉडल है डीएलएक्स जो सिंगल हॉर्न और सिंगल कलर और विदाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, उसकी जो कॉस्ट है अराउंड 2,24,000 थाने सिटी में ऑन रोड कॉस्ट है। तो दोस्तों होंडा हाइनेस का होंडा कंपनी ने जो माइलेज मीन्स फ्यूल इकोनॉमी जो क्लेम किया है अराउंड 40 के आसपास 40 किलोमीटर पर लीटर ये क्लेम किया है। फ्यूल इंजेक्टर मॉडल के साथ आता है, मीन्स प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टर होने के कारण ये मॉडल 350 सीसी में 40 किलोमीटर पर लीटर एवरेज या फ्यूल इकोनॉमी देता है, तो एक बढ़िया नंबर्स अपन बोल सकते हैं इस मॉडल के साथ। तो दोस्तों इस मॉडल के साथ होंडा कंपनी ने जो फर्स्ट इन सेगमेंट कुछ फीचर्स दिए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं सिद्धार्थ जी से। देखिए इसमें फर्स्ट इन फीचर्स जो आता है वो है आपको डोर स्टेप फैसिलिटी है सर्विस के लिए, तो इन केस आपको सर्विस सेंटर आ नहीं पाओगे तो डोर स्टेप सर्विस का भी फैसिलिटी, जहाँ पे आप ऐप में रजिस्टर करोगे एक बार व्हीकल के साथ तो आपको डोर स्टेप फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। एक बार अपॉइंटमेंट कन्फर्म हो जाते आपको कॉल करके आएंगे आपको नियरेस्ट लोकेशन पर सर्विस देने के लिए। तो दोस्तों जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया कि डोर स्टेप आपको सर्विस इस मॉडल के साथ मिलाई देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में हमने होंडा हाइनेस CB350 को रिव्यू किया। नाउ टाइम टू रिकमेंड दिस बाइक हु लव्स द रेट्रो बाइक विथ जीरो वाइब्रेशन और लो वाइब्रेशन। डेफिनेटली दे विल गो विथ दिस बाइक विथ न्यू फीचर्स लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशंस एंड ABS channel, dual ABS channel and so many things like a mobile chargers. So I will recommend this bike. तो दोस्तों इस वीडियो में हमने होंडा हाइनेस को रिव्यू किया, इसके प्राइस, रेंज, फ्यूल इकोनॉमी, टायर्स, इंजन, इस सारे बारे में इस वीडियो में बताया। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कुछ सजेशन रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।